हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो देखिए, अभी मैं इवनिंग वॉक से आ गई हूँ और अभी पसीना पसीना तो हो ही रही हूँ। अब मैं लेट हो जाती हूँ, पता नहीं अंधेरा जल्दी हो जाता है या मैं अब धीरे चलना शुरू हो गई हूँ। पर मैंने थोड़ा सा ना अपने स्टेप भी बढ़ाए हैं कि थोड़ी सी मैं और आगे चली जाती हूँ घूमने के लिए। तो थोड़ा मुझे अब दूर पड़ता है, लंबा भी पड़ता है। तो मेरे को पहले 7 बजे तक आ जाती थी, अब मुझे 7:15 बज जाते हैं, 7:20 भी हो जाते हैं। तो अभी 7:30 हुए हैं, तो मैं अभी आई हूँ। और मैं अभी दाल मखनी जो है रख रही हूँ, दाल भी भिगो कर चली गई थी, दाल और राजमा। और बस अभी डिनर में वही बनेगा। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से दाल मखनी जो है बनाती हूँ। अभी मैंने कुकर में पानी रख के डाल के उसमें दाल जो है डाल दी, और उसमें खड़े मसाले अभी पीस के डाले हैं, छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्ची और दालचीनी को मैंने पीस कर दाल के साथ ही डाल दिया है। अभी उसमें मैं नमक, मिर्च, हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा मैं उसके अंदर ना कोई भी ऑयल या घी डाल दूँगी साथ में, ताकि जो है प्रेशर बाहर ना निकले। कई बार जो है पानी बाहर निकलता है दाल का। तो चलिए शेयर करते हैं आज आपके साथ दाल मखनी की रेसिपी, पंजाबी स्टाइल में। बिल्कुल ही ईजी रेसिपी आपको मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कोई मुश्किल नहीं होती है दोस्तों। कई लोगों को लगता है कि दाल मखनी जो है मुश्किल है, पर सबका बनाने का तरीका अलग अलग है। कई लोग जो है पहले ही दाल में लहसुन वगैरह डाल देते हैं और उसका टेस्ट नहीं आता। आप जो पीस कर मसाला डालते हैं ना, तड़के में लगाते हैं उसमें, तो उसका टेस्ट अलग ही आता है, बिल्कुल मार्केट जैसा, होटल जैसी दाल मखनी बनती है। तो पूरी रेसिपी दोस्तों मैं शायद ना शेयर करूँ, तो इसीलिए मैं मोटा मोटा आपको जो है सारा आइडिया उसका बता रही हूँ कि कैसे बनानी है। तो चलिए बताती हूँ कि मैंने कैसे अभी बना रही हूँ मैं। देखिए, मैंने इस कुकर में पानी डाल दिया है और राजमा और थोड़ी सी उड़द दाल भिगी हुई। वैसे तो आप रात को भिगो देते, पर अचानक से प्रोग्राम बना है ना, तो शाम को ही मैं इसको भिगो कर चली गई थी, 1-1.5 घंटा भीग गई है। और इसमें छोटी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च आपको मैंने बताया डाल दी है मैंने। अभी 2-4 लौंग भी डाल दूँगी इसमें, और इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी डालकर इसे उबलने के लिए छोड़ दूंगी। एक विसल आएगी तो मैं आधा घंटा पूरा जो है इसको उबलने दूंगी अच्छे से, और आधे घंटे बाद जो इसकी स्टीम निकाल कर, अगर नहीं गली होगी तो इसमें 1 गिलास ठंडा पानी डालूंगी और इसे फिर से उबलने के लिए रख दूंगी। तो चलिए, अभी मैं इसको उबलने के लिए रख रही हूँ। देखिए, दाल का तड़के के लिए मैंने प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बना लिया है, और टमाटर भी मैंने पीस लिए हैं, और मैंने तड़के के लिए कढ़ाई भी रख दी है। और अभी दाल जो है मैंने प्रेशर निकाला नहीं है, अच्छे देखिए इसमें प्रेशर है। और इधर जो है चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। अब देखिए, मैंने जीरा डाल दिया है पहले ही घी में, और इसमें मैं लाल मिर्च को डालकर निकाल लूँगी थोड़ा सा फ्राई करके, क्योंकि फिर ये बिल्कुल काली हो जाती है। बिल्कुल ठंडे तेल में जीरा डाल दिया ना, वैसे भी छोटी गैस है ये। अभी 2 मिनट लाल मिर्च को फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर इसमें मैं साबुत धनिया डालूंगी और हींग डालूंगी, और जो है टमाटर, ये सॉरी प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट जो है पहले भून लूंगी। देखिए, मैंने प्याज, लहसुन और अदरक को कर दिया है ऐड, अभी इसे भून लूंगी अच्छे से, बिल्कुल ब्राउन कर लूंगी तेज गैस पर ही। उसके बाद जो है जब भून जाएंगे तो टमाटर डालूंगी। ये देखिए, दाल को खोला है ना मैंने, गाढ़ी है, गल तो गई है अच्छे से। और इसे इसमें अभी 1.5 गिलास पानी डलेगा, और उसे सिम पर मैं कड़ने के लिए छोड़ दूंगी। और अभी इधर देखिए, तड़का भी तैयार हो रहा है और चावल भी मेरे बनने वाले हैं। और आपके डिनर में आज दाल मखनी चावल है। और देखिए, अभी मैं इसमें पानी डालकर, हल्की सी गाढ़ी हो गई है, पानी डालकर इसे उबाल लूँगी, क्योंकि ये बाद में ठंडी होकर भी गाढ़ी हो जाती है। देखिए, मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, क्योंकि उसमें पानी डाला है ना दाल में, तो नमक कम हो गया। तो उसमें नमक और टमाटर दोनों ऐड कर दिया, अच्छे से फ्राई कर रही हूँ इनको। और देखिए, दाल भी कैमरे पे स्टीम आ गई एकदम से, दाल भी मेरी रेडी हो गई, पतली कर दी मैंने थोड़ी सी। और देखिए, मेरे पास मलाई पड़ी हुई है ना, कटोरी है पूरी, इसमें आधी तो मैं इस दाल में डाल दूँगी और आधी जो है तड़के में डालूंगी। इससे दोस्तों बहुत अच्छा टेस्ट आता है,
मलाई से, आप मक्खन भी डाल सकते हैं, और रात का समय है भी मक्खन ज़्यादा हैवी हो जाता है, मलाई भी हैवी हो जाती है, पर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरीके से आप बनाकर देखिएगा एक बार। तो अभी देखिए दाल में ये टमाटर और ये प्याज का जब सन जाएगा ना, इससे और ज़्यादा टेस्ट जो है बढ़ जाएगा। देखिए घी अलग हो रहा है, टमाटर भी मेरे भून चुके हैं, अब इसमें मैं दाल मखनी का मसाला पड़ा है मेरे पास रेडीमेड, ये वो वाला मसाला ऐड कर रही हूँ, और खड़े मसाले मैंने आपको बताया था मैंने पहले ही ऐड कर दिए थे। देखिए थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि तेज़ होता है इसमें नमक वगैरह सब डला होता है, आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है बाद में। इससे भी टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा आ जाता है, वैसे तो मैं कभी नहीं डालती हूँ, मेरे हस्बैंड ले आए थे मार्केट से, दो घर पे हम दाल मखनी मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ और बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। और देखिए अभी थोड़ा सा और इसमें घी हो जाएगा ना, तो मैं इसमें मलाई डालूँगा, मलाई को भी अच्छे से चला लूँगी। अच्छे से चलाना है ताकि मलाई फटे ना, और फिर जब ये इसमें घी छूट जाएगा तो मैं इसको दाल में ऐड करके ऊपर से इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी, लाल मिर्च भी थोड़ी सी ऐड करूँगी क्योंकि अभी पानी वानी डला है तो लाल मिर्च वगैरह कम हो जाती है, अभी मलाई का घी छूट जाए तो इसमें लाल मिर्च भी ऐड करूँगी और फिर इसमें ऐड कर दूँगी दाल में इस मसाले को। देखिए मैंने इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर दी और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया, और देखिए घी अलग हो रहा है बिल्कुल। अब इसको मसाले को मैं दाल में डाल दूँगी और सिर्फ 10 मिनट के लिए सिम गैस पर पकाऊंगी ताकि जो मसाला जो है दाल में घुल जाए अच्छे से, और हमारी जो है दाल मखनी बनकर रेडी है। देखिए चावल भी बन गए हैं, मैंने आटा भी गूंथ के रख लिया है, बस अभी हम डिनर करेंगे। अभी मैं आपको दाल को सर्व करके दिखाऊंगी कि बनकर दाल कैसी लगती है, और मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया है दोस्तों, भी देखिए मसाले में भी कोई कलर नहीं ऐड किया, मेरी मिर्च भी जो है कलर वाली नहीं है, फिर भी देखिए दाल का कलर कितना अच्छा आएगा। अभी इसको ऐड करके आपको दिखाती हूँ। एक दूसरे के सीक्रेट तो नहीं होते दोस्तों ये, एक दूसरे की रेसिपी से ही पता चलता है कि हम लोग किस तरीके से खाना बनाते हैं, और एक दूसरे से ही हम लोग सीख रहे हैं, यूट्यूब से ही कई लोग देख कर रेसिपी भी बनाते हैं, पर मैं जो भी अपनी रेसिपी डालती हूँ ना दोस्तों, मैं कभी भी यूट्यूब से चीटिंग नहीं करके डालती हूँ, जो जैसे मैं बनाती हूँ ना मैं वैसे ही आपके साथ शेयर करती हूँ। अधिकतर कभी कोई नई रेसिपी है जैसे ढोकला वगैरह हो गया, ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें तो मैंने भी यूट्यूब से ही सीखी हैं, क्योंकि हम लोग पंजाबी लोग ये चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते, पर जो मैं पंजाबी डिशें आपको दिखाती हूँ ना अपनी वीडियो में, सब मेरी ही बनी, अपने हिसाब से ही मैं बनाती हूँ, किसी की चीटिंग करके नहीं बनाती हूँ। तो आप भी इस दाल में दाल को इस तरीके से बना कर देखिएगा तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। अब देखिए पसीना फेस पर कितना आया हुआ है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, और देखिए मैंने आईब्रो भी बनवा ली है, थोड़ी सी तो सही हो गई मेरी आईब्रो, पर गोली बनी है अभी भी, इसमें एंगल नहीं आया, तो अभी फिर दोबारा से जब अभी मैं बढ़ाऊँगी जब तक कहीं नहीं जाना, तो मैं सब उसके बाद ही आईब्रो बनवाऊँगी। और अभी मैं इसी ब्लॉग में आपके साथ थोड़ा सा एक क्लिप गुरु जी के सत्संग की भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कल गई थी वहाँ पर, तो वहाँ छोटी सी क्लिप मैं बना कर ले आई थी, ज़्यादा पूरी वीडियो तो नहीं मैंने बनाई थी क्योंकि मना करते हैं वहाँ पर फ़ोन वगैरह चलाने के लिए, तो मैंने जो है छोटी सी क्लिप बनाई थी वो इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा म्यूज़िक लगा कर, आप देखिएगा गुरु जी के दर्शन कीजिएगा। दाल जो है देखिए उबलने की आवाज़ आ रही है इसमें से कुकर में से, और दाल अभी बन रही है, अभी सर्व करके आपको दिखाती हूँ, चावल भी बन चुके हैं, और देखिए दाल में उबाल आ गया और कलर देखिए कितना अच्छा आया है, बस अब मैं इसे बंद ही कर दूँगी क्योंकि ये गाढ़ी होकर और ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाएगी, बस अभी थोड़ी देर बाद ही बच्चों को मैं प्लेट लगा दूँगी, अभी फुलके भी बनाऊँगी। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, पर हमने ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं किया, हो सकता है अब वो कह रहे थे कि शाम को मैं केक वगैरह ले आऊँ, तो अभी पता नहीं लाते हैं कि नहीं, सुबह भी मैंने नाश्ते में इनको आलू पूड़ी बनाकर खिला दी थी, यही चीज़ें होती हैं आपको पता है दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ तो वो ऑयली वगैरह खाते नहीं है। तो देखिए दाल बनकर बिल्कुल रेडी है, oh,
देखिए दाल मखनी बनकर बिल्कुल रेडी है। और मेरे पास ना मेरी मम्मी ने मुझे ये बाल्टी दी, देखिए स्टील की, और जैसे ढाबे में दाल मिलती है ना बाल्टी में डालकर, तो मैंने इसी में सर्व कर दी। और पनीर भी सुबह के लिए लाए थे हम बच्चों के लिए, भुर्जी बना कर दूँगी उन्हें स्कूल के लिए। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी पनीर की गार्निशिंग कर दी, और लाल मिर्च जो मैंने तड़की थी वो भी इसी में ऊपर से सजा दी है। तो देखिए मेरी दाल मखनी कितनी अच्छी लग रही है और टेस्टी भी बनी है। दोस्तों आप इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो और मेरी ये दाल मखनी की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय।